Hello everyone, welcome to Hills Life TV. Bohagi Utsav 2018 at Haflong. Bohagi Utsav 2018, organized by Bohagi Utsav Ujapan Samiti Haflong, is being celebrated here at Haflong with great enthusiasm from Saturday. The day's program started with the hoisting of Bihu flag by Subarna Kumar Handik, President, Bohagi Utsav Ujapan Samiti Haflong, in presence of huge gathering at the district library premises. This was followed by opening song and tarpan. पूरे हुलस्तुल मच चुका है क्योंकि हाफलोंग ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारा जनगोष्ठी रहते हैं, बहुत सारा लोग रहते हैं, बहुत सारा अलग अलग ट्राइब रहते हैं, अलग अलग संस्कृति रहती है। तो इसी जगह में से अगर कहा जाए तो हाफलोंग को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। तो उसी जगह में से आज बोहागी विदाई जो आज दो दिन के लिए उन लोगों ने कार्यक्रम रखा है और इस वक्त हम दिखाने चाहते हैं कि हाफलोंग में किस तरह से लोग बनाते हैं और उन लोगों से जानते हैं इस पर धूमधाम से बिहू मनाने का जो इस पर उन लोगों का जोश चल रहा है उसके ऊपर में क्या कहते हैं और कैसा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। हम लोग यहाँ में विभिन्न जाति रहता है, हम लोग 13 जाति उपजाति यहाँ रहता है। तो आने कल में हम लोग का एक फंक्शन होगा, यहाँ में दिमासा बिहू भी आएगा, नेपाली बिहू भी आएगा, सब कुछ आएगा। सब जात का हम लोग इन्वाइट करता है, सब लोग मिलजुल के यहाँ हम लोग बिहू मनाएंगे। आप लोग आज कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग घर का बाहर है, घर में बिहू मनाता है हम लोग का जन्म स्थान में, लेकिन हम लोग अभी जन्म स्थान में नहीं है, सिर्फ कर्म का लिए हम लोग यहाँ बैठता है। तो हम लोग सब मिलजुल कर जो बिहू मनाता है बहुत अच्छा लगता है हम लोग। हाँ, निश्चय, थैंक यू। तो ये रहा एक जो उन लोगों को बहुत खुशी से आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, हिमाहासा हाफलोंग का जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वहाँ पे बिहू उद्यापन उनको खुशी से मना रहे हैं। और दादा, आपसे जानना चाहते हैं आज हाफलोंग हिंदी में अगर कहा था तो अच्छा होगा, आज आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्यों बिहू मनाया जाता है और आज में आप बिहू बहा गई बिहू बोल के आप लोग मनाया जा रहा है, क्या बोलेगा आप हाफलोंग हिमाहासा वासी के लिए? बिहू आसाम का एक बड़ा फेस्टिवल है, ये सब आदमी आसाम में धर्म निर्विशेषे जो जात होने से भी सब आदमी बिहू में फूर्ती होता है। बिहू में कोई जात पात का बात नहीं है, लेकिन ये जातीय उत्सव हिसाब से हर जगह पर, हर स्थान पर, हर टाउन पर, हर नगर पर मनाई जाता है। और ये बिहू आसाम में एक महीना तक चलते रहता है। अच्छा, हर जगह में अनुष्ठान होता है, प्रतिष्ठान होता है, फेस्टिवल होता है और दामी दामी शिल्पियों को बुलाया जाता है, उन लोग गाना बजाना करके आनंद देता है। इसीलिए आनंद उपभोग करने के लिए बिहू सबसे अच्छा जिनिस है आसाम के लिए। इसमें पहाड़िया जाति होने दो, व्यायाम जाति होने दो, सब एक साथ फूर्ति करता है। हम एक बात बोलने मांगता है जब बिहू एक तो बिहू गीत यदि पंजाब में गाया जाए तो इसमें भी पंजाबी लोग जमा हो जाता, बिहार में गाना से बिहार में भी ऐसा गीत सुन के ढोल बजन सुनने से आदमी जमा हो जाता। इसीलिए हम बोलने मांगता जब बिहू सॉन्ग बिहू डांस सर्वभारतीय, भारत का जो स्टेट होने दीजिए सब स्टेट का आदमी बिहू सुन के बिहू डांस देख के आनंदित होता है, फूर्ति पाता है। इसीलिए हम लोग हाफलोंग बाहर में भी इधर में 9 जनगोष्ठी बसवास करता है, उन लोगों को भी हम लोग बिहू का जरिए आनंद देने मांगता है, ठीक है, आनंद हम लोग लेता है। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये रहा हाफलोंग से, जो हाफलोंग से आप लोगों को दिखाएंगे कि बिहू कैसा उद्यापन करता है, उन लोगों का बिहू का डांस का नृत्य अभी हम दिखाएंगे आपको। This was followed by congressional bihu dance by several people from different communities celebrating Bohagi Utsav, Konnijuj and Pitha competition were also added to different traditional games and sports. This will be followed by bihu competition performed by several groups from Haflong.
इसका जो प्रिय दर्शक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाफलोंग में, हाफलोंग में इतना शानदार व्यू चल रहा है। अभी देखिएगा कितना सुंदर काम से वो कर रहा है। ये आज से बिहू यहाँ पे शुरू हो गया, काल भी चलेगा और आज जो हो रहा है ये पहला फ्लैगोसिंग हुआ। वो आने के बाद में यहाँ पे देख रहा है वो बिहू तो कर रहा है इतना सुंदर से, इतना अच्छा से। यहाँ पे हाफलोंग एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे गाँव पे काफ़ी सारा ट्राइब होता है, वहाँ पे बहुत जनजाति रहता है, लेकिन इसका बीच में एक रहता है जो क्लब फिर के इतना सुंदर बिहू नहीं रहता है। हर साल ऐसा बिहू होते रहता है, लेकिन इस बार का थोड़ा सा अलग से हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी आदमी आराम से वो बिहू नृत्य कर रहे हैं, इतना सुंदर परिवेश वो किया है, इतना सुंदर ढंग से नाच रहे हैं। हम लोग देख लेते हैं, हम लोग हमारा दिमाग का जितना भी है, हम लोग कितना सुंदर से रहते हैं उसका एक रूप है, जो प्रमाण है, जो हम लोग सब मिलके इतना सुंदर नाच गान करके चलते रहता है।